नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। क्या कुछ हुआ प्रतापगढ़ जिले में खास, देखिए मेरे साथ। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं महेशगंज थाना क्षेत्र से, जहां शादी कराने का झांसा देकर जहर खुरानी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्र के नेतृत्व में महेशगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गाँव निवासी शिव मूरत गौतम के घर 24 जुलाई को सुल्तानपुर जनपद के जयसिंह थाना क्षेत्र के भीखूपुर गाँव निवासी अखिलेश सिंह और अम्बेडकर नगर जनपद के थाना कटका क्षेत्र का सोहन लाल पहुंचे। ईंट भट्टे पर काम करने के कारण दोनों शिव मूरत से पूर्व परिचित थे। शिव मूरत के भाई की शादी के सिलसिले में दोनों घर में रुके और बताया कि भूत प्रेत का चक्कर है, इसी कारण शादी नहीं हो रही। 25 जुलाई को दोनों शातिरों ने पहले झाड़ फूंक की, उसके बाद प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खाने मिलाकर पूरे घर को खिला दिया। जब घर वाले बेहोश हो गए तो जेवरात समेत कीमती सामान समेट कर दोनों फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर महेशगंज पुलिस ने ASP पश्चिमी रोहित मिश्र के नेतृत्व में जाँच शुरू की, जिसके बाद आज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह भी किया। दोनों साथियों के पास से पुलिस ने चोरी का कुछ सामान, 160 ग्राम डाइजा बम पाउडर और बाइक भी बरामद कर जेल भेज दिया। ये थाना महेशगंज क्षेत्र में दिनांक 25/26 जुलाई की रात में एक गांव में एक घर में दो व्यक्ति जो कि उनके परिचित ही थे आकर रुके हुए थे और उन्होंने पूजा पाठ करके प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर सभी परिजनों को खिला दिया था, जिसमें सभी परिजन बेहोश हो गए थे। स्थानीय पुलिस मौके पर गई थी और सभी परिजनों का इलाज कराया गया था और होश आने को उन्होंने तहरीर दी थी और जिस पर FIR दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। जांच पड़ताल से यह पाया गया कि दो व्यक्ति परिचित आए थे और उन्होंने पूजा पाठ के नाम पर नशीले पदार्थ लड्डू में मिलाकर खिला दिया था और आज वो दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से कुछ उनके घर से चोरी किया हुआ सामान, जिसमें कुछ जेवर और नगद पैसा है, बरामद किया गया है। ये दोनों व्यक्तियों में से एक अभियुक्त थाना जयसिंहपुर सुल्तानपुर का शातिर अपराधी है जो बी क्लास का हिस्ट्री शीटर है और उस पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। दूसरा अभियुक्त भी अपराधी किस्म का है, जिस पर 3 अभियोग हैं। विवेचना अभी हमारी जारी है। अगली खबर कोहड़ूर थाना क्षेत्र से है, जहां निमंत्रण से घर लौट रहे चाचा भतीजे की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। रात में घर न पहुंचने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। दूसरे दिन शाम को चरवाहों ने दोनों के शव सड़क किनारे झाड़ियों के बीच पानी भरे गड्ढे में देखा। पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर बाइक कब्जे में ले लिया। कोहड़ूर थाना क्षेत्र के सरौली गाँव निवासी 30 वर्षीय विपिन कुमार बुधवार शाम बाइक से अपने 18 वर्षीय भतीजे सोनू के साथ निमंत्रण गया था। रात में दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनकी तलाश करने लगे। गुरुवार देर शाम मदाफरपुर जाने वाली सड़क किनारे झाड़ियों के बीच पानी भरे गड्ढे में परसुपुर गांव के चरवाहा ने दोनों का शव देखा। सूचना पर पुलिस के साथ उनके परिजन भी पहुंच गए। गड्ढे में ही उनकी बाइक भी पड़ी थी। जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार के लोग भी ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गए। विपिन राज मिस्त्री का काम करता था, उसकी पत्नी अपने मायके पट्टी गई थी। सूचना पर वह भी अपनी 3 बेटियों के साथ भागकर मौके पर पहुंची। SO प्रदीप कुमार ने बताया कि रात में दोनों असंतुलित होकर गड्ढे में चले गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां नकब लगाकर घर के भीतर घुसे चोरों ने नकदी जेवरात समेत लाखों रुपए का सामान उड़ा दिया। चोरी की आहट पाकर घर वालों की नींद खुली, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के गहनेरू बाग मोहल्ला निवासी जगत पाल पटेल के घर बुधवार की रात चोर नकब लगाकर घुसे और अलमारी में रखे 60,000 नकद और सोने चांदी के जेवरात समेट ले गए। घर वालों की नींद खुली तो चोर भाग चुके थे। घर का सामान बिखरा देखा तो परिवार के लोग सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चोरों अटैची तोड़कर घर से काफी दूर आम की बाग में फेंका था। पीड़ित जगत पाल ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। हमेशा की तरह पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। अगली खबर लीलापुर थाना क्षेत्र से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र सुखपाल नगर में बुधवार रात 3 बदमाशों ने चौकीदार और मुनीम को तमंचे की बट से घायल कर 60,000 सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। राइस मिल संचालक ने घटना की रिपोर्ट लीलापुर थाने में दर्ज कराई है। नगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाला औद्योगिक क्षेत्र सुखपाल नगर अब लीलापुर थाना क्षेत्र में शामिल हो गया है। यहां कटरा मेदनीगंज निवासी जगदीश जायसवाल की राइस मिल पर बुधवार रात चौकीदार राम लखन पटेल और सुल्तानपुर निवासी मुनीम
अमृतलाल सो रहे थे। रात में करीब 1 बजे 3 बदमाश राइस मिल पर पहुंचे और चौकीदार को जगाने के बाद उस पर तमंचा तान दिया। भीतर जाकर मुनीम को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया और अलमारी से 60,400 रुपये व अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद मुनीम ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। जगदीश की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया है। एसओ सुभाष यादव ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।